छोटे मोटे सब्र काल को बुरी जवान को खबरी का सलाम। कैसे हो सब लोग? चलिए आज की न्यूज गिर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इमरान खान के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, इमरान खान के खिलाफ जो अभी साइफर केस चल रहा था उसका डिसीजन आ चुका है, जिसमें इमरान खान फैंस के लिए काफी बुरी खबर है कि उनको अभी 10 साल की जेल हो चुकी है उनको और शाह महमूद कुरैशी को। जिस पर रिएक्ट करते हुए डकी भाई ने कहा, खान इज अ सेलिब्रिटी एंड ही विल रिटर्न। और इसी पर रिएक्ट करते हुए वकार जका ने भी एक वीडियो शेयर की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इमरान खान वापस आ जाएंगे। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। इमरान खान को जेल हो गई है 10 साल की, हक और बातिल की जंग में ये क्या हो रहा है? परेशान मत हो, इमरान खान वापस आ जाएगा। आज लिख लो इस वीडियो को, रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। क्यों वापस आ जाएगा? इसलिए नहीं कि तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो जाएगी या इमरान खान बहुत नेक है, इमरान खान की कोई फोन सेक्स नहीं है। इसलिए वापस आ जाएगा क्योंकि 1% इमरान खान को बचा के रखेंगे नवाज शरीफ को डराने के लिए, कि नवाज शरीफ जब भी कोई ऐसी 1% के अगेंस्ट जाने वाली बात करेगा तो इमरान खान को हीरो बना के ऐसे वापस लाएंगे कि आपकी सोच है। और आप कहेंगे, अरे देखा, हक और बातिल की जंग में फतह हुई हमारी। बेटा, दुनिया को समझ लो, अपनी FIRें कटवाना, सोशल मीडिया पर जाके आर्मी के अगेंस्ट बात करना और बाद में अपने घर वालों को बोलना मैं तो हक के लिए लड़ रहा था। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि शानदार मोबाइल और उनके साथ जो उनके गार्ड होते हैं शेरा, उन्होंने अभी चैलेंज किया है सलमान खान को। तो वो सलमान खान के लिए क्या कहते हैं, मैं उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा शेरा, बस अब छोड़ दो सारी बातें, किसी के साथ मुकाबला नहीं है, इनको बोलो सलमान खान को टैग करे बीच में। सलमान खान को टैग करें, बस कर दो यार। अब जो है, अब पुराने छैन मैन को खत्म कर दो। खत्म कर रहे हैं, किसको टैग करें? सलमान खान को। बीइंग सलमान खान की आईडी है, ओके करो जी। और उसको टैग करो सलमान खान के शेरा को। अब आवड़ा चाहिए है रिप्लाई। अब सिर्फ सलमान खान के शेरा का ड्यूट आना चाहिए। बिल्कुल, इंतजार करोगे? हम इंतजार कर रहे हैं। कौन ऊपर है? मेरा बॉस ऊपर है। नहीं, और वो शेरा ऊपर है या आपका मुकाबले का जोड़ है? हम ऊपर है। नहीं, उसका और आपका मुकाबला तो होगा, होना चाहिए। इतनी जल्दी आप ही जीत नहीं सकोगे जी बॉस, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। जो पाकिस्तानी शेर है उनका क्या? तो किसी लेवल के, वो किसी लेवल के वो नहीं, किसी लेवल ओके हो गया। और इस सब के अलावा दी ग्रेट मोहम्मद अली और जुनेद अकरम ने भी थोड़ा सा ट्रोल किया है शानदार मोबाइल को, उन्होंने ये स्टोरी शेयर की। अच्छा जी, जुनेद भाई हमारे साथ हैं। जुनेद भाई, आप इतने इवेंट्स पे जाते हैं, मतलब आप पॉडकास्ट पे आपके इतने गेस्ट आते हैं, इतने पॉलिटिशियंस आपके दोस्त हैं, मतलब जिस सेलिब्रिटी का नाम लो आप उसको जानते हो या आपका दोस्त है, तो पूछना है था कि उनका लेवल अप है आपके भाई। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि ARY न्यूज एंकर अशफाक सत्ती के बारे में, जिनके खिलाफ अभी उनकी पहली बीवी ने डोमेस्टिक वायलेंस के प्रूफ्स वगैरह शेयर किए हैं और उन्होंने अपनी साइड की पूरी स्टोरी बताई कि वो उनको कैसे मारना चाहते थे। तो अभी इन्हीं सब चीजों पर रिएक्ट करते हुए अशफाक सत्ती ने भी एक वीडियो मैसेज शेयर किया है, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। मेरा मेरी अहलिया के साथ जो झगड़ा हुआ, उस मामले को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करके मेरी करेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, जिस तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ तर्ज के इन्फ्लुएंस लगाए जा रहे हैं कि एक शख्स जो आज तक शरीफ था उसको एकदम जो है दरिंदा बनाकर पेश किया जा रहा है, इस ज़ाती ज़िंदगी को जगह जगह उछाला जा रहा है, उन मामलात पर बात की जा रही है कि जिनके बारे में कोई नहीं जानता, मुझे इसका बहुत अफसोस है। एक मामला तो वो है कि जिसका लीगल साइड है मायका, जिनके साथ ये सारा मामला हुआ, जो झगड़ा हुआ हमारा, उसकी बुनियाद क्या थी, किस वजह से हुआ, जाहिर है कि इट्स अ पुलिस केस, पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस इस मामले को उसी तर्ज पर देखेगी। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि जन्नत मिर्जा के बारे में। रिसेंटली जन्नत मिर्जा अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की कि उनकी नेक्स्ट मंथ में शादी होने वाली है और जो उनके हस्बैंड का नाम होगा वो K से शुरू होगा, जिसके बाद काफी लोग ऐसे बोलने लगे कि क्या आपके हस्बैंड कैन डॉल होंगे, लेकिन उन्होंने रिप्लाई करते हुए बताया कि कैन डॉल उनके भाई है, K से कोई और बंदा है उनकी लाइफ में। तो उनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पूरी लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। आपके घर शहर की शादी, मेरी शादी है, लोग यकीन ही नहीं करते, वेरी बैड। कब है शादी? फेब में मेरी शादी है। आई नो शहर की शादी है, आप वैसे ही कह रही है, नहीं मेरी भी शादी है। तुम लोग क्या चाहते हो, मेरी शादी ना हो? वेरी बैड। कैन डॉल आपका बॉयफ्रेंड है? कैन डॉल मेरा भाई है। और अभी यहाँ पे कैन डॉल की बात हो रही है, तो कैन डॉल ने अभी रिएक्ट किया है अशफाक सत्ती और राहत फतेह अली खान वाली सारी सिचुएशन पर, तो आप खुद सुन ले वो इन दोनों के बारे में क्या कहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया तो एडिट डिसअपॉइंटिंग हो गया ना आजकल,
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਵੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਕੀ ਜਾਂਦੀ ਔਲਾਦਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਸੁੰਨ ਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ, ਲਾਂਤੀ ਜੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਵੇ ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਮਨੂਸ ਬਰੂਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि डॉग्स लाइफ के बारे में। रिसेंटली डॉग्स लाइफ ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे उन्होंने एक चैलेंज लिया था कि वो 12 घंटों में 12 यूट्यूबर से मिलते हैं और उसी वीडियो में वो मास अफ्तर से भी मिलते हैं और रिसेंटली ही मास अफ्तर पर उन्होंने एक रोस्ट वीडियो बनाई थी। तो डॉग्स लाइफ की उसी वीडियो में मास अफ्तर उस रोस्ट पर भी रिएक्ट करते हैं जो उन पर बनाया था डॉग्स लाइफ ने। तो उनकी वीडियो का वो पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। और क्या पता हमारे चंबे चमाटे भी हो जाए क्योंकि हमने अभी रोस्ट भी तो किया यार। भाई 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 कैसे हो? ठीक हो भाई? कैसे हैं? गुड ऑफ फिटफाट पे यार। और बाकी आपको रोस्ट कैसा लगा था मेरा? यार रोस्ट अच्छा किया था इसने, इसको मैंने मैसेज भी किया था कि रोस्ट ने बड़ा कमाल का किया आप, और सुलझा हुआ रोस्ट किया है, इतना सुकून। देखो ये मजा आता है, ये एक थी मिमिक्री टाइप रोस्ट था तो ये अच्छा था, मतलब टाइप करा मेरे भाई बासी ले रहा को मारो कुत्ते की तरह। नहीं नहीं भाई, ये अच्छा इसने बड़ी मेरे हिसाब से ना इसने डमांडर्स की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त की थी। ये डमांडर्स वाली एक्टिंग सब कर लेते हैं। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि दी शहजाद शो के बारे में। रिसेंटली उन्होंने एक रील शेयर की जिसमें वो काफी डिसअपॉइंटेड थे कि वो इंस्टाग्राम पर कुछ भी रील डाल देते हैं और वो 100K+ व्यूज पे जाती है, जिसमें वो कुछ मेहनत वगैरह भी खास नहीं कर रहे होते और जिसपे वो अपना सारा कुछ देकर यूट्यूब पे कॉन्टेंट अपलोड करते हैं। तो उनकी लाइफ में यूट्यूब पे उनको सिर्फ 4 वीडियोज पर 100K से ज्यादा व्यूज आए हैं जिस पर वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, उसी पर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। ये हुडियों के साथ ये क्या पहाड़ क्यों बन जाते हैं बीच में ऐसे पुई, ये दो दो पहाड़ इधर बन गए पुई पुई, मुझे जिंदा नहीं रहना। द फैक्ट दैट दिस वीडियो विल गेट लाइक 100K व्यूज और मेरी पिछले 10 साल से यूट्यूब कर रहा हूं उसमें 2 वीडियोज नहीं 3 4 शायद वीडियोज के 100K से ज्यादा हुए और उसमें मैं लगा देता हूँ अपने, लेकिन इसमें मेरा कुछ लग ही नहीं रहा और ये वीडियोस ऐसी। फिर फ्रेंड आते हैं फिर बोलते हैं कि अरे भाई हम आपको पैसे देंगे, मैं 2 पैसे ये लो नंबर बात करते हैं। अरे नहीं 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 आप तो पाकिस्तानी है सर, हम इंडियन ब्रांड पाकिस्तानी उसे कोला। अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड आते हैं, अरे भाई क्या हाल है चलो यार कोलैबोरेट करते। अच्छा नहीं आप अमेरिका में रहते हैं चलो, नहीं ये तो मसले की बात है भाई भाई अमेरिकन ब्रांड आता है, अरे हेलो वो ओ नो योर पाकिस्तानी टेररिस्ट उसाम बिन लादेन बूम बूम अल्लाह अकबर बाय बाय। मैं क्या करूं पेट्रोल करता हूं, लोग बोलते हैं अबे भिखारी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हमारे पास बस इतनी अपडेट्स हैं, अगर तो वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।